Hello everyone, welcome back to my channel EdSected International. Thank you for clicking this channel. So, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे एंड सवाल पूछने जा रही हूँ मैं एंड जो जवाब है वो आपको मिलेंगे सर की तरफ से। इस वीडियो में हम वो सवाल कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आज की डेट में हर एक वीजा एप्लीकेंट के माइंड में है, जो भी यूएस का वीजा अप्लाई करना चाहता है या ऑलरेडी किया हुआ है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और इसके बारे में सभी कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो वी विल ट्राई कि आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने से पूरी क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके लिए वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, मेक श्योर उसके साथ शेयर जरूर करें। प्लस अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए वीजा एप्लीकेशन करें, चाहे वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, इट कैन बी यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप, और आपका कोई भी वीजा टाइप है, चाहे आप स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वर्क वीजा की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, विजिटर, टूरिस्ट या फिर कोई भी वीजा टाइप का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे मेंशन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है, तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आप लोगों का भी होगा। सो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वीजा की अप्रूवल या रिजेक्शन डिपेंड करती है एम्बेसी की लोकेशन के ऊपर? फॉर एग्जांपल अगर एम्बेसी की लोकेशन दिल्ली में है तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे अप्रूवल ही मिलेगी, या फिर एम्बेसी की लोकेशन चेन्नई में है तो वहां पे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगी, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आज की डेज में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुंह से सुन रहा हूँ। सो इसका एक क्लियर नो है, जो भी आपका वीजा डिसीजन होगा वो आपके इंटरव्यू पे और आपके वीजा एप्लीकेशन के बेस पे मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई खास लोकेशन पे अच्छी प्रोफाइल या अच्छे एप्लीकेंट अपीयर हो रहे हों तो वहां पर सक्सेस रेट अच्छा चल रहा होता है। यू कैनॉट से कि अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाओगे लाइक मुंबई में कि आपको वीजा 100% मिल जाएगा या चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि जब आपका एप्लीकेशन हुआ है वो एक अच्छी एप्लीकेशन हुई है और आपका इंटरव्यू जब हो रहा है उस इंटरव्यू में आप आपके फ्रंट पे जो वीजा ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं, इट मींस कि आपका वीजा अप्रूव होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन कम रह जाती है इंटरव्यू में या किसी भी तरीके से आप वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करवा पाते हो तो डेफिनेटली आपका वीजा रिफ्यूज होगा। सो सेकंड क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का ये सवाल है एंड सवाल ये है कि क्या जब कोई पर्सन इंटरव्यू करने के लिए जाता है वीजा ऑफिसर के सामने तो वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, तो ऐसा क्या है जो वो कंप्यूटर पे टाइप करते हैं? क्या वो कोई सर्च करते हैं गूगल के ऊपर या फिर उनकी प्रोफाइल के बारे में स्टडी करते हैं या कुछ नोट्स लिखते हैं कैंडिडेट के बारे में? व्हाट इज दैट? जो भी वीजा ऑफिसर उस टाइम पे आपका इंटरव्यू ले रहा होता है डेफिनेटली वो अगर अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है तो वो जेन्युइनली टाइप कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सोचना है कि ये जस्ट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइप करते हैं या दे आर नॉट रिएक्टिंग टू योर आंसर्स, इट मीन्स कि वो सुन नहीं रहे। सो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की लिस्ट होने के कारण, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन होती है तो वीजा ऑफिसर के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसी कारण से वो आपके आंसर सुनते सुनते ही वो कुछ टाइप करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो टाइप क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका रिमार्क्स कह सकते हो या कमेंट्स कह सकते हो, वो टाइप करते हैं कि व्हाई दे आर अप्रूविंग, व्हाई दे आर रिजेक्टिंग, सो दैट कि उनके डेटाबेस में आपकी एप्लीकेशन, आपके इंटरव्यू की डिटेल हो। बट इन सम केसेस वो कुछ सर्च भी कर सकते हैं, लाइक दे कैन डू अ गूगल सर्च। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। सो इट कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, इधर दे कैन कमेंट और मेक रिमार्क्स ऑन योर प्रोफाइल और योर इंटरव्यू, या फिर वो अपने रिसर्च भी कर सकते हैं सो डैट दे कैन आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू यू जस्ट टू गेट द वीजा डिसीजन।
नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन सर. क्वेश्चन अभी है स्लॉट्स के बारे में कि ऐसा हो रहा है कि कई बार स्लॉट्स की शॉर्टेज आती है, ये एम्बेसी की तरफ से है या फिर वो इंटेंशनली स्लॉट्स को रिड्यूस कर देते हैं? तो अगर हम बात करें कि एम्बेसी इस चीज को रिड्यूस करती है स्पेसिफिकली इंटेंशनली, तो इट इज अ मिथ. क्योंकि एम्बेसी हर साल अपना एक टारगेट रखती है कि इस साल वो इतने कैंडिडेट्स को वीजा देंगे, इतने कैंडिडेट्स को नहीं देंगे. लाइक लास्ट ईयर उन्होंने टारगेट रखा था कि 1.4 मिलियन कैंडिडेट्स को वो वीजा ग्रांट करेंगे. तो हर साल वो ऐसा टारगेट रखते हैं एंड दे आर ट्राइंग द बेस्ट कि वो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट्स को अप्रूव करें, लाइक ग्रांट करें, आई मीन टू से कि अवेलेबल करें सभी कैंडिडेट्स के लिए, सो दैट दे कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू. बट द थिंग इज एवर सिंस द कोविड लॉकडाउन देयर, तो जब से वो रिस्ट्रिक्शन चल रही थी उस टाइम से बैकलॉग क्रिएट होता 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 स्टिल अभी तक बैकलॉग है. अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इतना बैकलॉग तो नहीं है बिकॉज वो अभी स्लॉट्स रिलीज कर रहे हैं अच्छी अमाउंट में. द थिंग इज कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड आपको स्लॉट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. सो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से एफर्ट लग रहे हैं, एप्लीकेंट्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं एंड वीजा ऑफिसर्स भी अपने एम्प्लॉयज को बढ़ा रहे हैं, अपने वीजा ऑफिसर के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, सो डैट कि वो इस चीज़ को टैकल करें. बट एक चीज़ क्लियर है कि पिछले 2-3 साल से अगर हम कंपेयर करें तो हर साल वो अपने नंबर ऑफ स्लॉट्स को बढ़ा रहे हैं एंड ईजिली अवेलेबल कर रहे हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए. सो आई होप कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर में इस चीज़ को पूरा ओवरकम कर लेंगे, इस शॉर्टेज को ओवरकम कर लेंगे एंड पहले की तरह वो रेगुलर स्लॉट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. बट ये क्लियर नहीं है, एनी टाइम द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ सकते हैं. बट आई वुड से कि एम्बेसी के जो जितने भी वीजा ऑफिसर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कम करने के लिए. सो इट्स अ मिथ कि जो एम्बेसी है वो इंटेंशनली इसको रिड्यूस करती है या शॉर्टेज लाती है. इट्स अ मिथ. आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से और डीपली एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कोई डाउट फिर भी बचा है या आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं ताकि हम दोबारा ही ऐसे ही वीडियो क्रिएट करें और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो क्या सिर्फ एम्बेसडर प्रोफाइल को ही कंसिडर करते हैं वी अपना रिजल्ट देने के लिए, कहने का मतलब अप्रूवल या रिजेक्शन देने के लिए, या फिर कैंडिडेट की अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका बोलने का तरीका, आंसर देने का तरीका, वो भी मैटर करता है? मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं इंटरव्यू पे क्या पहन के जाऊं या क्या नहीं पहन के जाना चाहिए. तो आई वुड से कि ये मैटर करता है किसी न किसी लिमिट तक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैटर नहीं करता, बट इट मैटर्स बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो जब भी आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए एंड वीज़ा ऑफिसर के पास भी बहुत शॉर्ट टाइम होता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट मैटर इज योर अपीयरेंस और हाउ यू ग्रीट द वीज़ा ऑफिसर. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो और आपका अपीयरेंस स्टूडेंट की तरह ही है सो इट विल गिव अ पॉजिटिव पॉइंट टू यू और वीज़ा ऑफिसर के माइंड में भी पॉजिटिव आएगा कि आप एक स्टूडेंट हो, आप बोनिफाइड स्टूडेंट प्रूव कर रहे हो और अपने पॉइंट्स को क्रिएट कर रहे हो एज अ बोनिफाइड स्टूडेंट. बाकी जो चीज़ें हैं जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो तब मैटर करती है. बट एक चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो लास्ट करता है एंड अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन अपना पॉजिटिव डालते हो तो डेफिनेटली इस चीज़ का आपके वीज़ा डिसीजन पे अफेक्ट करेगा ही करेगा. सो वी कैन से कि इट मैटर्स अ लॉट. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है. एंड सर क्वेश्चन ये है कि क्या एम्बेसी कैंडिडेट्स को जानबूझ के रिफ्यूज करती है? कहने का मतलब कि क्या कैंडिडेट्स को रिफ्यूज करने के पीछे उनका कोई बिजनेस प्रॉफिट है कि अगर वो रिफ्यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से कैंडिडेट आएगा और उसी कैंडिडेट से एम्बेसी फीस मिलेगी जिससे कि उनका बिजनेस बढ़ेगा? सो कोई ऐसा
है? मैडम ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट से डील किया है जो रिफ्यूज़ होने के बाद उनका क्वेश्चन ये होता है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था और मुझे रिफ्यूज़ल का कारण नहीं समझ में आया, उन्होंने जानबूझ के मेरे को रिफ्यूज़ कर दिया। तो उनके माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि मे बी उनका बिजनेस मोटिव हो कि उनकी अर्निंग के चक्कर में वो ऐसा करते हों, बट आई थिंक कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पे भी मिस्टेक कर रहे हो, इधर आपकी एप्लीकेशन में मिस्टेक हुआ है या फिर आपके इंटरव्यू में मिस्टेक हुआ है, अननोइंगली आपने कहीं ना कहीं पे भी मिस्टेक किया है, इसी की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा बिजनेस मोटिव कोई होगा यूएस एम्बेसी का कि वो अपने बिजनेस या अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के चक्कर में, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में बिना किसी कारण से रिफ्यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई बात है। व्हाट डू यू थिंक मैडम? आई ऑल्सो डोंट थिंक सो। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, और सर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कैंडिडेट की लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है या फिर साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, तो क्या एम्बेसडर्स इस चीज को भी अपने दिमाग में रख के वीजा को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं? यू मीन टू से कि लाइक नॉर्थ इंडिया का कोई कैंडिडेट साउथ इंडिया में इंटरव्यू देने जा रहा है, लाइक चेन्नई में देने जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी प्रोफाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ये कुछ नहीं करेगा? ये क्लियरली मेरी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्लियर नो है, ऐसा मैटर नहीं करता है। बिकॉज वीजा ऑफिसर जो हैं उनके प्रिंसिपल्स, उनके रूल्स, उनका चेकिंग करने का मेथड वो सभी का सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, लिटल थिंग मैटर्स, वो ये है कि लाइक नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट कभी कोई साउथ इंडिया में लाइक चेन्नई में इंटरव्यू देने जाता है तो मोस्टली वहाँ पे साउथ इंडियन कैंडिडेट्स होते हैं, एंड वीज़ा ऑफिसर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो साउथ इंडियन वाले कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं या उनको सेटिस्फेक्शन उनके अकॉर्डिंग चाहिए होता है। एंड समटाइम्स ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जो नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़े नहीं उतर पाते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को फील होता है कि वो उनको सेटिस्फाई नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल मिल जाता है। बट मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गए और उनका वीज़ा अप्रूव भी हुआ है। सो वी कैन से कि ये एक मिथ है एक्चुअली, क्योंकि इसमें अप्रूवल भी आए हैं एंड रिफ्यूजल्स भी आए हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप वीज़ा ऑफिसर को कितना सेटिस्फाई करा पाते हो, कितनी उनको कन्विंस कर पाते हो कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हो या बोनाफाइड टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेंट हो, एक जिस भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसके लिए कितने अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो। सो आई वुड से कि अगर आप किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो, बिकॉज एज यू ऑल नो कि स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो एम्बेसी को पता ही है कि जिसको जहाँ पे भी स्लॉट मिल रहा है वो वहाँ पे अप्रोच कर रहा है, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बिकॉज हर एक का टाइम बहुत शॉर्ट है। किसी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, किसी की ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, किसी का कोई बिजनेस इवेंट है, कोई किसी के पर्सनल मीटिंग है या कोई पर्सनल फैमिली को मिलना चाहता है, तो हर एक की टाइमिंग फिक्स है। तो हर एक एप्लीकेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी उसको डेट्स मिल रही हैं वो वहाँ पे अपीयर हो रहा है इंटरव्यू के लिए। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई थिंग है, ऐसी कोई मैटर है जो अफेक्ट करता हो आपके वीजा डिसीजन को। ओके, सो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है, एंड ये जो क्वेश्चंस थे ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस थे, एंड मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के होंगे। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो हम आपके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर पाए। एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके लिए वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है और यू थिंक कि उसको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो मेक श्योर उसके साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सो डू शेयर इट हमारी टीम से। आप वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो, कोई भी कंट्री हो, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप, आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्क और परमानेंट रेजिडेंट पे भी जाना चाहते हो डायरेक्टली टू डिफरेंट कंट्रीज़, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो या फिर अपनी प्रोफाइल्स डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।